हाय दोस्तों, ये सीमा टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया दोस्तों, जिसे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल रहने दे, कीपैड वाले मोबाइल रहने दे या चाइनीज मोबाइल रहने दे, उसमें जो चार्जिंग सेक्शन है कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में आपको मदद मिल सकती है दोस्तों। तो मैं इस डायग्राम की तरफ से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो हमारे चार्जिंग सेक्शन है कैसे काम करता है दोस्तों। तो इसी के थ्रू मैं मोबाइल में मोबाइल रिपेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इस ये तो आप देख सकते हो, यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ चार्जिंग सॉकेट है। जब भी हम यहाँ चार्जिंग इन करेंगे तो 5 वोल्टेज सप्लाई आएगा दोस्तों। एक साइड का एक एक सप्लाई है माइनस रहता है, दूसरे सप्लाई है प्लस रहता है। एक सप्लाई पावर आईसी को जाता है और दूसरा सप्लाई है तो हमारा चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को जाता है दोस्तों। हमारा जो सप्लाई है डायरेक्ट पावर आईसी को क्यों जाता है दोस्तों। जब भी हम यहाँ चार्जिंग लगाएंगे तो ये पावर आईसी सीपे के थ्रू आपको जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो दिखाने का काम ये पावर आईसी करता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, यहाँ से दूसरा जो सप्लाई है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को जाता है। रेगुलेटर आईसी को जाने के बाद आपको 4.2 वोल्टेज आता है। तो दोस्तों, यहाँ स्विचिंग करने का काम है, इस ट्रांजिक्शन का है, ये ट्रांजिक्शन है, हमारा जो सप्लाई है स्विचिंग करता है। स्विचिंग करने के बाद 4.2 वोल्टेज आता है, तो ये जो हमारे बैटरी कनेक्टर को प्लस को जाता है दोस्तों। इसी तरह से ये जो हमारा हर एक मोबाइल में चार्जिंग सेक्शन का काम करता है दोस्तों। तो यही सर्किट मेरे दिमाग में रख के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो, यहाँ हम चार्जिंग इन करेंगे तो पहले हम यहाँ सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई यहाँ जो नहीं आ रहे तो हम इस चार्जिंग सॉकेट को बदल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन यहाँ एक कॉइल रहती है, हमारा रजिस्टर रहता है, रजिस्टर वीक होने के बाद आप यहाँ तो आपको सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ आपको सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये जो है यहाँ शॉर्ट करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दोस्तों। तो आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक चाइनीज मोबाइल है तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस साइड का जो इस साइड का जो 1 नंबर का ट्रैक है वो माइनस है दोस्तों, इस साइड का प्लस है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट इस कैपेसिटर से इस चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को जाता है। और जो आप देख सकते हो, यहाँ एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर है, वो स्विचिंग करने का काम करता है दोस्तों। इसका सप्लाई एक पावर आईसी को रहता है दोस्तों, और एक सप्लाई है जो इस स्विचिंग करने के बाद हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है 4.2, तो इस रजिस्टर के थ्रू इस प्लस को आता है दोस्तों। ये चाइनीज है। तो हमारे पास दूसरा वाला एक सैमसंग है, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो, इस साइड का प्लस है, प्लस का जो ट्रैक है यहाँ से इस डायोड का आता है, डायोड से इस कैपेसिटर से इस चार्जिंग रेगुलेटर एसी का आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, एक साइड में 2 रजिस्टर और एक कैपेसिटर है, यहाँ स्विचिंग हो जाता है दोस्तों, ये पावर एसी के थ्रू, ठीक है। और जो आउटपुट वोल्टेज है डायरेक्ट इस बैटरी कनेक्टर प्लस को जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक मोबाइल में ये जो चार्जिंग सेक्शन है वो काम करता है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी के थ्रू मैं मोबाइल रिपेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता हो दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।